स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में जो कि झारखंड सरकार द्वारा जिला परिषद अंतर्गत निकाली गई है। तो टेक्नीशियन और हेल्पर का ये भर्ती निकाला गया है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है जिसमें से आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेवा अनुबंध के नाम पे ये आपका निकाली गई है, जिसमें से आपका टेक्नीशियन और हेल्पर का ये पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, जिसमें से टोटल जो है यूआर का ये आपका पोस्ट है, यानी कि ऑल यहाँ पे कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अनारक्षित यहाँ पर बात करें तो आरक्षण नीति की, तो उपरोक्त सेवा अनुबंध के लिए ये आपका पैनल निर्माण से राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण जो है नीति लागू मानी जाएगी। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर इसकी बात करें उम्र सीमा की तो 1/1/2022 से गणना की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो ये आपका NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से आपका ट्रेनिंग इन सोलर PV टेक्नीशियन या सोलर, ये आपका सिस्टम सर्वेइंग टेक्नीशियन का ये आपका यहाँ पे दी गई है। जिसमें से अनुभव की अगर बात करें तो कम से कम 1 साल का अनुभव रखा गया है, जिसमें से सोलर लाइट एवं पंप जो है मरम्मती में ये आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रखी गई है। आवेदन जो है कैसे अप्लाई करनी है इसके बारे में अगर बात करें तो आवेदन जो है आपको यहाँ पर आवेदन बहित प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र जो है आवेदन, ये आपका शुल्क है, जिसमें से आपका सभी प्रमाण सभी प्रमाणित करके आपको बंद लिफाफे के कार्य दिवस पर जो है आपको हाथों हाथ यहाँ पे जमा करनी है, या तो यहाँ पे देख सकते हैं जिला परिषद कार्यालय खूंटी में जो है आवेदन समर्पित करना है, जिसमें से ईमेल के माध्यम से भी यहाँ पे दिया गया है कि माध्यम तथा ईमेल पंजीकृत डाक ये आपका दिया गया है कि कुरियर के माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन और ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आवेदन जो है हाथों हाथ आपको यहाँ पे जमा करनी है। बात करें आवेदन के साथ जो है आपको यहाँ पे 2000 का यहाँ पे शुल्क भुगतान करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 का यहाँ पे शुल्क रखा गया है, जिसमें से आवेदन शुल्क जो है आपको उपायुक्त या आपका उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यालय पदाधिकारी खूंटी के पद नाम पर आपको यहाँ पर माध्यम बनानी है। ठीक है, जिसमें से आवेदन पत्र जो है समर्पित करने का जो तिथि है वो 24/9/2022 से 5 बजे तक आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्राप्त आवेदन में मूल जो है उपरांत जो है जिला परिषद स्तरीय चयन समिति द्वारा किए जाएंगे, जिसकी अगर इसके अनदर यहाँ पर अगर आपको कोई और भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि ये आपका टेक्नीशियन और हेल्पर से रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। किसी प्रकार की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।